आई नो हमने देखिए आपको आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है। 2019 के बाद यहाँ एक बहुत वरिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है। जब भी पीडीपी जो जब भी यहाँ पीडीपी प्रोटेस्ट करना चाहती है, पीसफुल प्रोटेस्ट कैरी आउट करना चाहती है, वो अगस्त 2019 के डिसीजन, यूनिलैटरल डिसीजन, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, या आज जो फलस्तीन में चल रहा है, जो वहां के इतने सारे लोगों को कलेक्टिवली पनिश किया जा रहा है एट द हैंड्स ऑफ इसराइल, जब भी पीडीपी ने पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहा तो उनको ये करने नहीं दिया जाता है। कल शाम से हमारे जनरल सेक्रेटरीज जो हैं, गुलाम नबी लोन हंजूरा साहब हो या महबूब बेग साहब हो, हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, यहाँ तक कि पीडीपी के जो डीडीसी मेंबर्स भी हैं, उन सबको हाउस अरेस्ट में रख दिया है। किन्हीं को हाउस अरेस्ट में रखा है, बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में इलीगली डिटेन कर दिया गया है। तो 2019 से एक बहुत वारिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है, जहां हम देखते हैं पहले तो पीडीपी को तोड़ा गया, महबूबा जी ने जो इतने खून पसीने से एक जमात बनाई, उसमें एक स्प्लिट ऑर्केस्ट्रेट किया गया एट द बिहेस्ट ऑफ दिल्ली। और उसके बाद अब जो लोग यहाँ बचे भी हैं, जो हमारी अभी भी जमात इतनी एक्टिव है, जब भी हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं ना पीसफुल मैनर, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे, आप लोग 3 दिन पहले यहाँ खुद आए और आपने खुद देखा कि महबूबा जी जब पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट करना चाहती थी, उनको ऑलमोस्ट मैन हैंडल किया गया सिक्योरिटी ऑफिसर ने, दे डिड नॉट अलाउ हर टू यू नो प्रोटेस्ट पीसफुली। सो आई वॉन्ट टू आस्क दैट वाई इज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हियर कंसिस्टेंटली सिंस 2019 क्रैकिंग डाउन ऑन पीडीपी, और आप हमें एंटी नेशनल करार, मतलब यू डिनाउंस अस एज एंटी नेशनल, जबकि जो हम एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो पीसफुल है। आप खुद देख रहे हैं द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, दे कमिंग आउट टू सपोर्ट यू नो पैलेस्टीनियन सिविलियंस, जिन पे आप देख रहे हैं कितना जुल्म सितम हो रहा है, उनके ऊपर फॉस्फोरस बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, 1500 बच्चे पिछले 2 हफ्ते में उनको मारा गया है, दे बींग स्लॉटर्ड, इंटायर ब्लड लाइन्स आर बींग वाइप्ड, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द इंडियन गवर्नमेंट्स ऑफिशियल पोजिशन इज दैट दे हैव कंडेम्ड इजराइल्स अग्रेशन, जैसे इजराइल ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट कर रहा है, वहां उनने इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेडिकल सप्लाईज तक बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप पीडीपी पे सिलेक्टिवली ये क्यों आप बार बार टारगेट कर रहे हैं, पीडीपी के लोगों को ही बंद किया जाता है। इस साल अगस्त 5 पे जब हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे अगेंस्ट द इलीगल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो तब भी महबूबा जी, यहाँ तक मुझे भी घर में हाउस अरेस्ट में रखा गया, और कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हो, गुलाम नबी हंजूरा साहब हो, देव ऑल बिन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट, एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो वाई आर वी सीइंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू पीडीपी? आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं? पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कम्प्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। जो बाकी पार्टीज यहाँ मुख्तलिफ होती हैं, जब वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, खैर प्रोटेस्ट तो कोई यहाँ करता नहीं है, लेकिन उनकी जो भी पोलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको फुल फ्रीडम दिया जाता है, क्योंकि इन अ वे इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है शायद दिल्ली में। तो वाई इज देयर सच अ ब्रूटल, अ विशियस क्रैक डाउन ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ टाइम जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, मतलब आपने कंप्लीटली स्प्लिंटर कर दिया, यहाँ पे डंडा यूज किया, जो ज्यादातर पीडीपी के लीडर्स थे जो अब बाकी प्रॉक्सी पार्टीज में चले गए हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट पीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं? एंड इट्स अ वेरी वरिंग पैटर्न, बिकॉज किसी भी जमहूरियत में ऑपोजिशन, एक वायबल रोबस्ट ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। एंड अनदर वरिंग पैटर्न दैट इज इमर्जिंग इज की जो इंडियन फॉरन पॉलिसी का जो रुख था, we were always for the creation of an independent sovereign palestinian state where the people of palestine would live with dignity, we are seeing ki hamari indian foreign policy ka shift kaise ho raha hai towards israel which is the aggressor, and mind you india was the last non muslim was the last non muslim state to accept israel, to recognize israel as the state, and it was one of the first non muslim non arab states to recognize PLO, which was the Palestinian Liberation Organization. So these are questions that I want to ask the administration, ki aap baki jamaaton ko full activity karne dete hain, wo drugs pe baat karte hain, conference karne dete hain,
वो मतलब एम्प्लॉयमेंट बाकी इश्यूज होते हैं उन पे आप बात करने देते हैं, तो आप बस पीडीपी पे ये क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को एंटी नेशनल क्यों आप डेनिग्रेट करते हैं? डिनाउंस, व्हाई यू डिनाउंसिंग अस एज एंटी नेशनल? इज इट अ क्राइम? इज इट अ क्राइम टू यू नो प्रोटेस्ट इन अ पीसफुल मैनर? इट इज माई फंडामेंटल राइट। हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारा फंडामेंटल राइट बोलना ही नहीं है। इट्स नॉट जस्ट द फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। यू नो इट्स अ सेफ्टी वैल्व फॉर अ डेमोक्रेसी। और आपने खुद, आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा पैलेस्टीनियंस के पीछे खड़े रहे हैं। दे आइडेंटिफाई विद द कॉज ऑफ पैलेस्टीनियंस। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस। एंड मेरी आपसे गुजारिश है कि आज भी जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेट्स जस्ट कीप इट टू यू नो वट एवर हैपेंड पिछले 24 आवर्स में। जैसे हमने देखा है कि पीडीपी लीडर्स को कैसे हाउस अरेस्ट और थानों में रखा गया है। पैलेस्टाइन इज अ कॉज दैट्स ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। आपने यूक्रेन की बात की, हम उसको भी कंडेम करते हैं। सिलेक्टिवली कहीं भी वॉर को या कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम करना बहुत गलत चीज है। और मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो सुपर पावर्स हैं इस मुल्क के, जैसे आई मीन ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक यूएस, and you know even India is a huge rising power, why does US selectively condemn what's happening in Ukraine? But aap khud dekhiye, Palestine mein 1500 se 2000 bacche, un pe phosphorus bombs giraye ja rahe hain, aap pure family lines ko nikal rahe hain. So one should not selectively condemn you know any conflict or war, because kisi bhi war mein wo bacche ho, aurte ho, aadmi ho, they suffer, you know, they suffer a lot. तो हमने इस पे भी प्रोटेस्ट करना चाहा, आप उस पे भी प्रोटेस्ट करना नहीं, आप नहीं चाहते कि कश्मीर में किसी भी चीज का प्रोटेस्ट नहीं हो, पीसफुल प्रोटेस्ट भी आप नहीं करने देते हैं, तो यू नो व्हाट इज दिस। एट द सेम टाइम इमदाद भी भेजी जा रही है गाजा हिंदुस्तान की तरफ से, खासकर